मैं इस वीडियो में कंगना रनौत के बारे में 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, शायद ही आप जानते होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। कंगना की सिस्टर रंगोली एसिड अटैक का शिकार हुई थी 2005 में। देन कंगना ने ही हेल्प की थी रंगोली को इस सदमे से बाहर निकाला था, मेंटली और फिजिकली। तो तब से लेकर आज तक रंगोली कंगना के साथ ही रहती है। बचपन में कंगना ने अपने फादर के साथ फाइट करने के बाद घर छोड़ दिया था। एक्चुअली फादर ने ही कंगना को घर से निकाल दिया था किसी वजह के कारण। कंगना ने जब घर छोड़ा था तब कंगना के पास एक भी पैसा नहीं था और कंगना की एज सिर्फ 16 साल थी। कंगना रनौत एक आउटसाइडर थी, कोई बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, ना कोई गॉडफादर था। बॉलीवुड के अर्ली स्टेज में कंगना को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। वह ऑटो टैक्सीज और लोकल में ट्रैवल करती। कंगना ने अपनी लाइफ में ऐसे भी दिन देखे हैं कि स्टे के लिए रूम नहीं मिलता था तो वो फुटपाथ का सहारा लेती थी और वहाँ ही सो जाती थी। कंगना की ऑल टाइम फेवरेट मूवी थी DDLG। कंगना ने जब ये मूवी पहली बार देखी तो कंगना 8 साल की थी। कंगना उस टाइम ये मूवी पूरी नहीं देख सकी थी, लेकिन कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम DDLG का एक फेमस ट्रैक था, ना जाने मेरे दिल को, जो कि कंगना उस ट्रैक को आज तक नहीं भूली है। कंगना रनौत का एक डर्टी सीक्रेट भी है, घबराइए मत, डर्टी वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जे अनहाइजेनिक डर्टी वाली बात है। कंगना शावर बहुत कम लेती थी, कभी कभी स्किप भी कर देती थी। जब कंगना ने विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो देन कंगना को एहसास हुआ कि कितना जरूरी होता है हाइजेनिक होना भी लाइफ में, तो कंगना ने अपनी सफाई रखनी शुरू कर दी। कंगना ने मणिकर्णिका मूवी के लिए हॉर्स राइडिंग जर्मनी से सीखी। कंगना हॉर्स राइडिंग को पूरे परफेक्शन से करना चाहती थी, इसलिए जर्मनी जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद मणिकर्णिका की शूटिंग की। कंगना का रियल नेम कंगना अमरदीप रनौत है और निक नेम है उनका अर्शद। कंगना डॉक्टर बनना चाहती थी बट कंगना केमिस्ट्री यूनिट टेस्ट पास नहीं कर पाई क्लास 12 स्टैंडर्ड में। कंगना तीसरी ऐसी एक्ट्रेस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिनेमा में जिसने बैक टू बैक बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड जीता है आफ्टर शबाना आजमी। वैसे तो कंगना ने 3 बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड जीते हैं, एक 2009 में फैशन मूवी के लिए, उसके बाद 2015 में क्वीन मूवी के लिए, देन उसके बाद तनु वर्स मनु रिटर्न मूवी के लिए। कंगना रनौत एक लौती ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसने फीमेल लीड मूवी में तनु वर्स मनु मूवी रिटर्न में 150 करोड़ की अर्निंग की है। ऐसा बॉलीवुड फीमेल लीड मूवी में किसी ने नहीं किया है, कोई दूसरी एक्ट्रेस ये रिकॉर्ड अचीव नहीं कर पाई है। कंगना रनौत बिबाक और बिंदास नेचर के लिए जानी जाती है, इसलिए ही उनको कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन का नाम भी दिया गया है। चाहे वो ऋतिक रोशन के साथ अफेयर की कॉन्ट्रोवर्सी हो या आदित्य पचोली के ऊपर रेप केस की कॉन्ट्रोवर्सी हो। प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस के को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके इसको भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती किसी के बारे में गलत बात उसकी, उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा वो हुआ है। रिसेंटली कंगना जब अपनी न्यू मूवी जजमेंटल है क्या का सॉन्ग लॉन्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो एक रिपोर्टर के साथ फाइट हो गई। कंगना एंड राज, जस्टिन हियर फ्रॉम PTI टुवर्ड्स योर लेफ्ट। हाय हाय जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हां सच लिखता हूं यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangana, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Like